शोज एवरीथिंग के साथ मैं हूँ आशिर और हम आज हैं शमसी फार्म हाउस के ऊपर और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऐसा है जो आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं हर एक चीज़ जो यहाँ पे मौजूद होगी। अब चले हमारे साथ। तो जी ये शमसी जो है शमसी फार्म हाउस का मेन गेट है और बाहर से असल में मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई, थोड़ा सा जो है हम अंदर आ चुके थे तो ये जो है वो मेन गेट है। ये लगता है केएन एकेडमी मेमन गोट के पास, तो आप लोग अंदर का जो है ये विज़िट कर सकते हैं। ये कोई बहुत खूबसूरत जगह आपको देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वेल मेंटेन करके रखा हुआ है इसको, सही है। और जो है जो आप देख सकते हैं, मैं परस का सेट करता हूँ, ये देखें अच्छी जगह है ये। तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं जिससे फैमिली वाले जो फैमिली के साथ जो बच्चे वगैरह आते हैं वो लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड इन्होंने बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। ये सारी पार्किंग है, ये जो है इसका पूरा पार्किंग एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। हम असल में बेसिकली यहाँ पे एक इवेंट शूट करने के लिए आए थे तो मैंने बोला चलो हम आपको भी दिखा दें कि यहाँ पर क्या है। हमारा इवेंट जो है वो इस वाले यूनिट के अंदर है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई एक शूट वगैरह चल रहा है, मैं लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है, ये देखिए शूट चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह भी हैं जो कि बच्चों के लिए रखे गए हैं, जैसे हॉर्स हो गए, डेयर्स हो गई, वो भी मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊंगा। बाकी मैं आप लोग आगे लेके चलता हूँ यहाँ पर और क्या क्या। ये आप लोग देखें, ये जो है ये टेनिस के लिए रैकेट के लिए कोर्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ पर खेलते हैं और ये भी जो है इन लोगों ने ये इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। और अगर आगे ये आप लोग देख सकें तो ये कोई एक ग्राउंड इन्होंने रखा हुआ है, ओपन एरिया है यहाँ पे, यहाँ क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, फुटबॉल के लिए भी इन्होंने जो है वो जगह बनाई हुई है, वो कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले ही, ये देखें ये डेयर्स जिन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इन्होंने ओपन एरिया में रखी हुई है लोगों के लिए, ताकि लोग उनको करीब से देख सकें, इनसे प्यार कर सकें। मैं भी इनके करीब जाके दिखाता हूँ। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि इनके करीब जितना जाओगे दूर भागते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जाने की कि जो है यहाँ पर जा सके, इनको करीब से जो है मैं शूट कर सकूँ। ये भाई हैं यहाँ पर, ये ग्रास के अंदर पानी डाल रहे हैं जिसकी वजह से ये और ग्रीन हो जाएगी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये भाई हमारे पानी डाल रहे हैं यहाँ पे ग्रास में, थोड़ा सा किचकिच हो रहा है, मेरे शूज़ भी गीले हो गए। बाकी हम इनके करीब चलते हैं, अगर मौका मिले तो इनको शूट करते हैं करीब से। कैमरा बहुत हिल रहा हो क्योंकि मैं चल रहा हूँ आराम आराम से ना, ताकि ये भाग ना जाए। तो देख सकते हैं मैं कितना करीब आ चुका हूँ, ये खड़ी हुई है, डेयर्स हैं बहुत सारी, एक ब्लैक डेयर भी है, उसके सींगे भी जो है काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो मारती वारती तो नहीं है, ये देखें आप लोग बहुत ही जो है कोई खूबसूरत जो है जिसे कहते हैं जगह है ये। मेरी लाइटिंग कैमरे की थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि कहीं धूप आ रही है और कहीं जो है वो छाँव आ रही है, इस वजह से मैं सेट करना पड़ रहा है मुझे बार बार। ये देख सकते हैं मैं कितना करीब आ गया हूँ, और मैं थोड़ा और करीब, थोड़ा अगर मैं शोर करूँगा ना तो ये भाग जाएंगी। मतलब मैंने आज तक इतनी करीब से जो है ना डेयर्स नहीं देखी हैं, जो बात हकीकत है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, अगर देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ये देखें ये मुझे ही देख रही हैं, ये मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि हमला हो जाए। देखें आप लोग जा रहे हैं, आओ आओ, जितना करीब जा रहा हूं ये भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, आओ। ये देखें आओ 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 आओ,
इतना ही भाई, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं फिलहाल, हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता है कितने तेज़ होते हैं पकड़। करीब तो हम जा सकते, इतने करीब जा सकते थे, हम उतने गए हैं, ये हाथ में आ नहीं रही हैं। बाकी चलें मैं आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो हैं यहाँ पे, फिर आगे चल के और चीज़ें विजिट कर। ये जो है ये एक डेर सामने से एक आ रही है, वो देखिए उसकी सिंगे, ये थोड़ी सी बूढ़ी बूढ़ी सी लग रही है। चले हम कुछ और देखते हैं चल के। ये चीज़ आप लोग चेक करें कि ग्राउंड जो है वो कितना खूबसूरत है, पेड़ वगैरह लगे हुए सही है, और जो है ग्रीनरी भरपूर है। और मुझे जो इस फार्म हाउस की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगी वो ये कि इन्होंने जो है डेयर्स वगैरह ये रखी हुई हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप लोग इनको बिल्कुल करीब से जो है देख सकते हैं, इतना करीब से कि आप इनको हाथ लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अच्छी होती हैं। तो चलते हैं, ये सामने अगर आप लोग देखें, मैं आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा ये क्लियर भी करके दिखाऊं, तो ये हॉर्स वगैरह हैं यहाँ पे अच्छे, तो उनको भी हम करीब से थोड़ा सा शूट करते हैं। और वहाँ पे कुछ और जानवर भी हैं उनको भी, ये इन्होंने जो है एक कुर्बानी के लिए जानवर भी पाल रखा है यहाँ पे, एक खूबसूरत जानवर है ये। ये भाई हमें मिले हैं, ये कहते हैं हम आओ मैं आपको दिखाता हूँ, कोई अगर जानवर मारेगा तो ये बचा लेंगे तो बाकी हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि जो वाइट वाला जो ये सामने आप लोगों को जो ये हिरन एक नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा लड़ाकू है, ये एक हॉर्स है। इन्होंने बहुत सारे जो है वो जानवर वगैरह पाले हुए, कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि चल रहा हूँ मैं स्टेबल करके, मैंने आपको दिखा दिया, बाकी इसके आगे और चल। ये नहीं मारती है बिल्कुल, जो है सीधी घोड़ी है ये। कितनी उम्र है इसकी? अच्छा, ये खूबसूरत प्यारा है हिरन का, ये मारखोर कोई कह रहा है, वाइट कलर का है। असल में मैं आपको दूर से सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये करीब जाओ तो मारते हैं ना, तो हमें अपनी ज़िंदगी भी प्यारी है भाई, उसको भी सेफ करना है, उसको सेव करते करते आप लोगों के साथ चलना है। तो बस यही है, बाकी ये देखें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी वो यही है कि यहाँ पे एनिमल्स को इस तरीके से रखा गया है कि बच्चे लोग आते हैं वो इनको देखते हैं और इनसे लुत्फानंदोज़ होते हैं। मैं थोड़ा सा और करीब आ गया हूँ अगर आप लोगों को नज़र आए तो, ये देखें क्या खूबसूरती, देखें खूबसूरती माशाल्लाह बहुत है। ये देखिए आप लोग, ये नील गाय इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और करीब आप लोगों को लेके चलता हूँ। अच्छी जगह है ये माशाल्लाह, मतलब इतनी करीब से ये चीज़ें जो हैं देखना तसव्वुर थोड़ा कम ही होता है। ये लो नीलो आओ, तुम्हें पीछे पीछे जाना पड़ रहा है इसके, तो कैमरा थोड़ा सा हिलेगा, आप लोग से माजरत है इसके ऊपर। ये करीब अगर जाओ तो ये आगे चली जा रही है, रुक नहीं रही है हमारे लिए ये। ये देखें अब ये जो है अगर ये खा ले तो रुक जाएगी थोड़ा सा। चले जी, इससे ज़्यादा हम चल नहीं सकते, हम थक गए हैं फिलहाल। हम जिस यूनिट में है इसको यूनिट 4 है शमसी फार्म हाउस का, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, आगे ये स्विमिंग पूल भी है, पता नहीं पानी है या नहीं है इसमें अभी, स्लाइड्स वगैरह तो हैं।
बाकी हम लोग जो है, जगह बहुत प्यारी है ये, नो डाउट जगह जो है ये बहुत अच्छी है। ये लोग यहाँ पे देखें झूले भी झूल रहे हैं, फैमिली वगैरह अगर आएंगे तो खूब इंजॉय करेंगी। ये आप जगह देख सकते, जगह देखें तो बहुत कोई अच्छी जगह है, साफ़ सुथरा माहौल। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने खूब मेंटेन रखा हुआ है इस जगह को, इस वजह से इतनी साफ़ सुथरी है। ये जो है ये यूनिट है, सही है, ये रूम्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। मैं आपको इसका अंदर से भी विजिट करवा सकता हूँ कि अंदर बेसिकली क्या है। तो यहाँ अगर हम, ये एंट्रेंस है इसकी, यहाँ से अगर हम अंदर गए, सही है, तो थोड़ा सा जो है हमें कैमरे की थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। या देख सकते हैं टेबल टेनिस रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, सही है। इसके अलावा जो है एक टेबल टेनिस है, ये पट्टी जो कि कॉन्स्टेंट होती है हर यूनिट के अंदर, कि लड़के वगैरह अगर आते हैं तो उनको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ये डब्बू हो गया, ये रखी है। अच्छा, यहाँ से जो है इनका ऊपर का रास्ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिट जो है वो बड़ा है, ऊपर दूसरा यूनिट है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हम नहीं जा सकते फिलहाल। ये मैं आपको नीचे का दिखा सकता हूँ पूरा लॉन्च। आगे अगर हम चलें तो ये देखें, ये कोई बहुत बड़ा लॉन्च है जहाँ पर हम लोग लंच डिनर वगैरह किया जा सकता है, सारे कपड़े वगैरह रखे जा सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। एसी वगैरह हैं जो चलते हैं यहाँ पे वर्किंग ऑर्डर में। सिटिंग एरिया देखिए आप कितना कोई बड़ा है। और यहाँ से जो है बाहर का व्यू देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का गार्डन व्यू आता है, सही है। और दूसरी इसका बेडरूम मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो बेडरूम है यहाँ की, हम लाइट ज़रा ऑन करते हैं अभी। ये बेडरूम है यहाँ पे, फ़ैन वगैरह है इसमें, वॉशरूम भी अच्छा है, ये बैग हमारा रखा हुआ है, फर्नीचर वेल फर्निश्ड है, अटैच बाथ है इसमें, ये एक रूम इसमें इंक्लूड है। एक रूम और है यहाँ पे, दो रूम का बेसिकली यूनिट है। ये सेकंड रूम है यहाँ पे, ये भी अटैच बाथ के साथ है, वेल फर्निश्ड सब चीज़। थर्ड रूम भी मैं आपको दिखाता हूँ, थर्ड रूम भी है इसके अंदर। तो तीन रूम के ऊपर जो है ये मुश्तमिल यूनिट है, सही है, जो कि, और ये रूम थोड़ा सा खासा बड़ा है। ये अगर आप लोग देखें तो ये रूम जो है वो थोड़ा बड़ा है, फर्निश्ड है और अटैच बाथ है, इसके अंदर एसी है। बाकी दो रूम के अंदर फ़ैन है, इसके अंदर एसी है, सही है। और जो है अटैच बाथ भी जो है वो अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है। ये था शमसी फार्म हाउस का यूनिट 4 जो मैंने आपको दिखाया पूरा कंप्लीट। मैंने आपको अंदर से ही विजिट करवा दिया, बाहर से ही विजिट करवा दिया, यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो ही मैंने आपको दिखा दी। तो मैंने एंजॉय किया, आप लोग भी यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें। तो और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यह है नाइट व्यू शमसी फार्म हाउस का। यहाँ पे असल में इवेंट चल रहा है अभी, इस वजह से जो है ये इतनी लाइटिंग्स वगैरह हुई हुई है। यूनिट है